गुरुजी एक मिनट रुकिए, तो ये भगवान बंसी बजा के और ये गोपी लोग तो कामना से गई थी ना प्रेम में, बोला हां, तो कामना से भगवान कैसे मिलेंगे? और ये महाराज सुखदेव जी नाराज हो गए, अरे तुझे कथा कहने के पहले ही मैंने कहा था सावधान हो जा भगवान अपी, उसके बाद भी तू नहीं सुधरा, कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहद्यमेवं च नित्यम हरौ बुद्धतो यान्ति तन्मयताम हीते। अरे भगवान से चाहे जैसा भी संबंध बना ले, काम का बना लो, क्रोध का बना लो, भय का बना लो, स्नेह का बना लो, या परिवार का संबंध बना लो। कल इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी कि कोई संबंध बना लो, कामाद गोप्यः भयाद कंसो, गोपियों ने काम से पा लिया और कंस ने भय से पा लिया। ठाकुर कहते हैं कोई भी रिश्ता बना लो मेरे साथ, अरे दुश्मन ही तो बना लो कम से कम रावण की तरह, तब भी मैं लंका तक आऊंगा तुम्हारे लिए। लेकिन हम न तो रावण है न गोपी है, हम बीच में, बीच वाले को नहीं मिलेंगे। या तो एकदम दुश्मनी कर ले, एकदम विरुद्ध चले जाओ ठाकुर जी के, और या तो एकदम भक्ति में उतर जाओ। और भगवान तो तभी भैया अपनाते हैं जब सब, देखो विभीषण को भी, विभीषण आकर के पहले क्या बोला कि हमने सब कुछ त्याग दिया है, अपने रिश्ते नाते सब त्याग के हे रघुनाथ आपकी शरण में आया हूं। भगवान ने कहा आ जाओ लंकेश, रिश्ते त्याग दिए, लोगों को त्याग दिया, लेकिन तेरे मन से अभी भी लंका का लोभ नहीं गया है, इसलिए भगवान ने कहा आओ लंकेश, आओ लंका तुझे मिल जाएगी, कोई बात नहीं। और ये महाराज सुग्रीव बगल में आ गए और आके कहा आप भी गजब करते हैं, अभी रावण जिंदा है, अगर कल रावण भी, रावण की बुद्धि खुल गई और वह भी कल आपके चरण में आकर के प्रणाम करके जानकी जी को वापस कर दिया, तब क्या करोगे महाराज? आपका वचन झूठा हो जाएगा रघुकुल का? बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, अरे विभीषण को मैंने लंकेश बना दिया, अगर कल रावण आ जाएगा तो उसको अवधेश बना दूंगा, मैं तो जंगल में ही ढूंढूंगा, हमें नहीं चाहिए कोई, अवधेश बना दूंगा। ठाकुर जी देखो महाराज कैसे, बोला एक लंकेश एक भाई अवधेश, बोला आप, बोला हम जंगल में मौज करेंगे।